मेरा नाम महेंद्र प्रताप उपाध्याय, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, ग्राम पोस्ट गहमर से। सर, आप लोग गहमर रेलवे स्टेशन पर धरना पे क्यों थे और यहाँ कैसे? देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था गहमर भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र की अगुवाई में चल रहा था। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो 80 बरस के हैं, बल्कि 87 बरस के हैं। उनके निर्देशानुसार हम ये इस धरने पे थे और हमें हमारी चार गाड़ियां जो चाहिए थी उसके लिए 4 तारीख से ही हम धरनारत थे। जो जब कानों में जू नहीं रहेंगी तो 15 तारीख से आमरण अनशन में परिवर्तन हो गया। 17 को ग्रामीणों ने स्वेच्छा से सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिकों ने भी एक मशाल जुलूस निकाला और उससे शायद प्रशासन को लगा होगा कि कुछ गलत बात उनको हो सकता है लगी हो। तो हमारा जो पिछले 72 घंटे से चल रहा था, 60 घंटे से आमरण अनशन चल रहा था, रात में 11:30 बजे 50 से ज़्यादा की संख्या में पुलिसकर्मी, SDM, तहसीलदार और CO जमानिया, ये सब आके और जबरन हमसे, बल्कि बदतमीजी भी की, जबरन टांग के हमको, हम विरोध करते रहे लेकिन टांग के हमको गाड़ी में डाल दिया। हमने पूछा कि हमारा अपराध क्या है, उन्होंने कहा मशाल जुलूस आपने निकाली। हमने कहा भाई, हम तो पिछले 60 घंटे से यहाँ से हिले ही नहीं हैं, हमारा क्या दोष है? हम तो आमरण अनशन पे, हमको मत ये करिए, हमको टाइम दीजिए, और ये कोई तरीका नहीं है। 2 बंदों का मोबाइल भी छीन लिया गया, उसके बाद जो भी, यहाँ तक कि मुझे नंगे पाँव, एक तरीके से भूतपूर्व सैनिक हूँ, बेइज्जत करते हुए मुझे गाड़ी में चढ़ाया। सर, एक बार परिचय अपना दे दें। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र। मार्कंडेय जी, आज जिला अधिकारी कार्यालय पर इतनी संख्या में क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे गहमर गांव में कोरोना से पहले 6 जोड़ी ट्रेनें रुकती थीं, उनका बंद कर दिया गया। इसलिए 25 जुलाई 2021 को हम लोग DM साहब के अध्यक्षता में, ADM साहब और DRMO साहब ने एक लिखित समझौता हुआ था कि 6 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगी, बाकी शेष 3 गाड़ियां 1 महीने के अंदर में रुक जाएंगी। फिर उसके बाद में अगर 1 हफ्ता के अंदर 3 गाड़ी नहीं रुकेगी और शेष गाड़ी 3 गाड़ी 1 महीने से अंदर नहीं रुकेगी तो मजबूरन जिला प्रशासन आप लोगों का सहयोग देगा, उसमें कोई भी अप्रिय घटना घटेगी पूरी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। केवल 1 हफ्ते के अंदर 2 गाड़ी रुकी, बाकी 4 गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया, नहीं रुकी। इसके बाद हम लोग 2-3 बार DM साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित पत्र भी दिया, बोले कि वो 1-2 महीने के अंदर में बातचीत हुआ रुक जाएगी, लेकिन 5 महीने व्यतीत हो गया, अभी तक 4 गाड़ियों का परिचालन शुरू नहीं हुआ। इस बीच में हमारे कौन सी गाड़ियाँ थी सर? हमारी गाड़ियाँ मगध, फरक्का, उसके बाद में भगत की कोठी, गरीब रथ, ये 4 गाड़ियों का ठहराव अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों ने मगध और फरक्का का परिचालन के लिए मांग कर रहे थे, वहाँ दानापुर से आए थे एक वाणिज्य अब्दुल हक जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 10-15 दिन के अंदर में 2 गाड़ियों का मगध फरक्का रुकवा देंगे, लेकिन हम लोग बोले कि आप हमको 48 घंटे के अंदर रुके तब हम लोग धरना बंद कर रहे हैं, अन्यथा जो है हम मजबूर होंगे। उन्होंने गया, अपने बातचीत किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 15 तारीख को हमारे 6 जवान जो है आमरण अनशन के लिए बैठ गए। उसके बाद में तीसरे दिन वहाँ पर उनके सम्मान में पूरे गांव और क्षेत्र मशाल जुलूस निकाला। रात को 11:30 बजे 300 पुलिस आई और हमारे 4 जवानों को उठा करके उनके साथ बसुकी किया, पैसा मोबाइल भी छीन लिया, उनको यह बंद किया। उसी में हम लोग 60 आदमी आए हैं, DM साहब से मुलाकात किए, सभी उनको परिप्रेक्ष्य में बताए। DM साहब ने बोला कि देखिए, मैं आपके साथ हूँ, कोरोना आचार संहिता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ DRM से बात करके बहुत जल्दी चंद दिनों में फरक्का और मगध की स्टॉपेज हो जाएगा शेष गाड़ियों। अखंड जी, सरहद की रक्षा करने का जिम्मा जो है सैनिकों का है, पूर्व सैनिक ने इस तरह की काफ़ी कामयाबी भी हासिल की होगी,
लेकिन आज वो खुद धरना प्रदर्शन पे हैं और उनको पुलिस पकड़ रही है, क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है कि सीमाओं पर रक्षा करने वालों को आज अपने अधिकारों के रक्षा करने पर भी जेल भेजा जा रहा है, और यदि मर्द होता जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, तो दिन दहाड़े आकर उठाता, 11 बजे रात में आकर के चोरी से उठा लेना, ये कहाँ का अधिकार है? आप दिन दहाड़े उठाते आते, हमसे बात करते, अपनी बात रखते, हम अपनी बात रखते, और हम कोई उदंडता नहीं कर रहे थे, हम शांति से बैठे हुए थे, और हमारे समर्थन में गांव जो है एक होकर के रैली निकाल रहा है, तो उससे हमारा क्या सरोकार है? उससे हमारा तो कोई सरोकार नहीं है। हम सैनिक बैठे हुए थे शांति से वहां पर, हमारा अनशन में 56 घंटा हो गया था बिना कुछ खाए पिए, और भूखे पर प्यासे पर आकर के इस तरह करना, क्या आश्वासन, क्या बात बनी सर? आश्वासन तो वही है जो कि पिछले बार भी इन्होंने कहा था कि 1 महीने के बाद रुक जाएगी, और इस बार भी समय पीरियड बढ़ा करके 2 महीने हो गया है। ऐसे में आज क्या इन लोगों की जमानत दे रहे हैं या जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसे में तो अभी बताया गया कि निजी मुचलके छोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पूर्व भी 10 जनवरी 2021 को यही चीज किया गया था। हमें तो लगातार घुट्टी पिलाई जा रही है। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हम बैठ करके आपस में तय करेंगे कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी। सर, गहमर स्टेशन पर पूर्व सैनिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, और रात में ये पता चला कि उनको पुलिस द्वारा उठा लिया गया है, क्या पूरा मामला था और किस तरह के आश्वासन दिए गए? देखिए, गहमर क्षेत्र में काफ़ी समय से स्थानीय वासियों की ये मांग है कि वहाँ गहमर रेलवे स्टेशन पर 6 ट्रेनों का ठहराव पहले हुआ करता था, बट अभी ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा था। तो बीच में करीब 6 महीने पहले की बात है, जब लोगों की मांग आई थी तो जिला प्रशासन के स्तर से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से, लखनऊ स्तर से प्रयास हुआ था, तो अभी फ़िलहाल 2 ट्रेनों का ठहराव वहाँ होना शुरू हो गया है। बट अभी स्थानीय लोगों का ये कहना है कि साहब 4 ट्रेनों के ठहराव की बात है, जिसमें से 1 ट्रेन के ठहराव की बात कही गई थी रेलवे प्रशासन द्वारा, बट अभी तक की नहीं गई है। तो उसी को लेकर के लोग आज हमसे मिले भी। मैंने उनको आश्वस्त किया कि हम DRM से बात करते हैं और रेलवे को एक पत्र भी लिखते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं, जिला प्रशासन कोशिश करेगा कि गहमर स्थानीय वासियों की मांग को हम लोग रेलवे प्रशासन के संज्ञान में लाएं, और जो आपकी मांग है हम लोग कोशिश करें कि रेलवे प्रशासन आपकी मांग को मान लें।